नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल भरत जैन पर। और आज का ये जो एपिसोड है वो अगेन हमारे इस वीक का कमेंट बॉक्स। तो शुरू करते हैं हमारे इस कमेंट बॉक्स वीडियो को। और सबसे पहला कमेंट हमारे पास में आया है सादिक अरब का। और सादिक अरब कहते हैं कि आईपी में आप कौन सी ब्रांड पसंद करते हो, हिकविजन, दावा, सीपी प्लस और एनी अदर, प्लीज रिप्लाई में। तो चलिए मैं अपना सीक्रेट है वो आप सब लोगों के सामने रिवील करता हूं। वैसे मैं अपने हर वीडियो के अंदर आप लोगों को बताता रहता हूं कि मैं ऐसी कोई पर्सनल ऐसा नहीं है कि मैं इस ब्रांड को पसंद करता हूं या फिर ये ऐसा कुछ है। मुझे जिस भी ब्रांड के अंदर अच्छी सर्विस मिल जाती है मैं वो ब्रांड ले लेता हूं। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर हुआ, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो जिन अभी आपने मेरे पास में जो अभी चार ऑप्शन रखे हैं, तो चार ऑप्शन के अंदर सबसे पहले अगर आईपी कैमरा की बात करें तो मैं हिकविजन को प्रीफर करता हूं। मुझे हिकविजन के कैमरास आईपी के अंदर काफ़ी अच्छे लगते हैं, सो वो लगाता हूं। अगर क्लाइंट का बजट थोड़ा सा आगे पीछे है, मतलब कि हिकविजन में आपको पता है कि जो कैमरा की कॉस्टिंग है वो कहाँ पर जाती है और क्लाइंट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, उसको आईपी ही लगाना है, तो मैं हिकविजन के साथ में चला जाता हूँ ज़्यादातर। और जो NVR है या फिर DVR है तो मैं यहाँ पर हिकविजन या फिर दाहुआ दोनों में से किसी भी एक को सेलेक्ट करता हूँ। लेकिन किसी क्लाइंट को जब मुझे समझाना पड़ता है, उसको मैं पहली बार HD से IP में कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने दम के बेस पर, उसका बजट ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग CP प्लस में भी चले जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि CP प्लस के अंदर जो स्टार्टिंग रेंज है IP कैमरा की वो थोड़ी डाउन होती है, तो हम लोग उसमें भी चलते हैं। सो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो ये तीनों ब्रांड में इक्विवेलेंटली यूज करता हूं। 30% मेरी हिकविजन जाती है, 30% दाहुआ जाता है और 30% सीपी प्लस जाता है। ओवरऑल मैं सभी ब्रांड्स के साथ में काम करना पसंद करता हूं कि जब भी अगर किसी ब्रांड के अंदर मटेरियल अवेलेबल ना हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरी टीम को प्रॉब्लम ना आए कि यार इसके अंदर तो मुझे कुछ अच्छे से आता नहीं है। अगला जो सवाल है वो हमसे पूछा है कमरुज़मन शकील ने, और वो कहते हैं कि Is it possible to use 5 IP कैमरा in 4-channel NVR? तो देखिए, अगर आप NVR ले रहे हो पर्टिकुलरली, तो वहां पर आप एक NVR में जितने कैमरा बोला हुआ है उतने ही कैमरे सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 4-channel का NVR लिया है तो उसमें 4 ही IP कैमरा लगा सकते हो। अगर 8 का लिया है तो 8 ही लगा सकते हो, और अगर आपने 10 channel का लिया है तो 10 ही लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने DVR लिया है, यानी जो XVR आते हैं, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आप IP कैमरा लगा सकते हो, तो 4-channel DVR के अंदर कई बार आपको ऑप्शन मिल जाता है 5 IP कैमरे लगाने का, किसी में मिलता है 6 IP कैमरे लगाने का। उसी तरह से 8K DVR के अंदर हम लोग 10 IP कैमरा भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड की वो ब्रांड हमें क्या फैसिलिटीज दे रही है। अगला जो सवाल है हमारे पास में वो है हरिहर नारायण का, और हरिहर नारायण ने बहुत लंबा सवाल पूछा है। उनका कहना है कि भैया जी प्लीज एक वीडियो ऐसी बनाइए जिसमें यह बताइए कि सीपी प्लस कैमरा 8-channel DVR है, उसमें 8 कैमरा उन्होंने लगा दिए हैं, एक कैमरा रात को अंधेरे में दिखाई देना बंद कर देता है, इसके बाद में दूसरे दिन सुबह होती है तब वो कैमरा फिर से चल जाता है, तो DVR में ऐसी कौन से फंक्शन में वो लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, यानी कि हरिहर जी प्रॉब्लम कर रहे हैं कि उस फंक्शन को सही करें तो वो जो रात में बंद होता है वो दिन में चालू, वो रात में वापस से चालू हो जाए, तो कुछ इस तरह का सवाल है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें क्या होता है कि आपका एक ही पर्टिकुलर कैमरा है जो कि रात को बंद होता है, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर कैमरे को या तो जो पावर है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, मतलब आपकी पावर सप्लाई इतना अच्छे से पावर नहीं दे पा रही है कि बाकी सब कैमरे चल रहे हैं लेकिन उस कैमरे की डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसको पावर नहीं मिल रहा है, एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा, कैमरे के अंदर बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम हो कि उसी के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज हो, उसका IR वर्क नहीं कर रहा हो, या फिर उसके अंदर जो सेंसर आता है IR कट फिल्टर का जो सेंसर आता है वो वर्क नहीं कर रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार कोई और कैमरा वहां पर लगा के देख लीजिए। अगर इससे भी कोई बात नहीं बनती है आपकी, तो एक बार अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई पॉइंट आ गया है, आप सेटिंग करते टाइम ऐसा कुछ आपने कर दिया है, तो एक बार आपका जो DVR है उसको कंप्लीट फैक्ट्री रिसेट कर दीजिए, इसके बाद में चला के देखिए। ये 2-3 रीजन होते हैं, इसके अलावा और कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता कि उसके अंदर आपने कोई बटन बंद कर दिया है या फिर उसको आप ऑन करेंगे तो रात को जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगला सवाल हमसे पूछा है नीतीश शर्मा ने, और नीतीश शर्मा कहते हैं कि हेलो सर, आई एम नीतीश शर्मा फ्रॉम हिंदुस्तान सर्विलेंस सॉल्यूशन। माय क्वेश्चन इज,
कैन वी यूज अ सिंगल कैट सिक्स केबल फॉर टू आईपी कैमराज ऑन सेम लोकेशन बट विदाउट यूजिंग आईपी स्प्लिटर बिकॉज सम ऑफ स्प्लिटर हैव शॉर्टनेस्ट केबल टू कनेक्ट कैमरा वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो देखिए यहां पर अगर आपको एक ही वायर से अगर आपको आपने वायर खींच लिया और अदर कोई ऑप्शन नहीं है और उस लोकेशन पर आपको दो आईपी कैमरा लगाने पड़ रहे हैं तो वहां पर आपके पास में दो तीन ऑप्शन बना सकते हैं आप यहां पे। अगर आपको लोकल में पावर देने का अगर ऑप्शन मिल जाता है तो कैट सिक्स केबल के अंदर जो आपके पास में आठ कोर है उसमें चार कोर 1, 2, 3 और 6 और दूसरा 1, 2, 3 और 6 मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है उस पर आप डेटा दे सकते हैं। तो इससे भी आप एक ही केबल के ऊपर दो आईपी कैमरा चला सकते हैं बट पीओई से पावर नहीं जाएगा। दूसरा ऑप्शन है यहां पर आप स्विच लगा सकते हैं, अगर स्विच लगाने का ऑप्शन है उसमें भी आपको पावर देना पड़ेगा तो ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तीसरा है आपके पास में आईपी एक्सटेंडर आते हैं मार्केट में, अगर आपको मिल जाए कहीं पर तो वो आईपी जो एक्सटेंडर होते हैं वो आपका जो एक सिंगल केबल आ रहा है वो कुछ इस तरह का दिखता है, एक जो सिंगल केबल आ रहा है उसी के अंदर का पीओई को यूज करेगा, उसमें से दो आपको आउटपुट दे देगा, दोनों आउटपुट आप उन कैमरे को दे दीजिए और एक सिंगल के ऊपर आप चला लीजिए, आप उसको मल्टीपल लेवल पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो आईपी एक्सटेंडर इज अ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगला सवाल जो हमसे पूछा है वो है रवि लोखंडे, और रवि लोखंडे कहते हैं कि एक कस्टमर के घर पर हिकविजन के 2 मेगापिक्सल का मेटल बॉडी का डीवीआर है और उसमें 4 एचडी कैमरे चालू है। अब 150 मीटर पे उनका वर्कशॉप है, वहां पर 3 इजवीज कैमरे लगाए हैं जो कॉफी राउटर से ऑनलाइन है। कस्टमर को घर के 4 एचडी कैमरे और शॉप के 3 इजवीज कैमरे घर की एक ही स्क्रीन पर देखना है तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सो इसके लिए देखिए सॉल्यूशन तो एक है कि अगर आप कंप्यूटर लगा दें तो आपको कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कंप्यूटर पे आप वहाँ के 3 कैमरे और आपके घर के जो 4 कैमरे हैं वो आप लगा सकते हैं उसके ऊपर, एक ही स्क्रीन के ऊपर ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर आती है जो थोड़ा सा खर्चा करवाएगी आपसे, वो ये है कि आप कॉफ़ी के राउटर को निकाल दीजिए। 150 मीटर का जो डिस्टेंस है वो बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं है तो वहाँ पर आप या तो फाइबर ऑप्टिकल केबल खींच लीजिए जो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आपकी नहीं जाएगी, और वो जो 3 इजवीज के कैमरे हैं वो आप डीवीआर तक लेके आइए। डीवीआर जो आपका 4 चैनल का है उसको आपको बट ऑफिस करना पड़ेगा 8 चैनल का, तो 8 चैनल का डीवीआर ले लीजिए, 3 उसमें ऐड करिए, 4 इसमें ऐड करिए और डायरेक्ट टीवी आउटपुट के साथ में दे दीजिए। दूसरा ऑप्शन आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट बन सकता है, अगर केबल नहीं खींच सकते हैं तो वायरलेस जो डिवाइसेस आती है, 150 मीटर का डिस्टेंस है तो बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं है, आप वायरलेस एक्सेस पॉइंट आते हैं वो ले लीजिए जो करीबन आपको 3-4 हज़ार रुपये में 5 हज़ार रुपये में पेयर आ जाएगा आपको, वो लगा कर भी आप इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको खर्चा नहीं करना है तो सॉफ्टवेयर ही एक ऐसा आपके पास में बनता है और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको या तो लैपटॉप चाहिए या फिर आपके पास में कोई सीपीयू होना चाहिए जिसके थ्रू आप देख पाए। अगला सवाल हमसे पूछा है राहुल रजक 01 ने, और राहुल रजक कहते हैं कि मेरे हिकविजन के कई डीवीआर में प्रॉब्लम है, डेट एंड टाइम का इशू आता है, बैटरी भी चेंज करके देख लिया फिर भी वही प्रॉब्लम है, फर्मवेयर भी अपडेट करके देख लिया फिर भी सेम इशू आता है, क्या कर सकते हैं? तो देखिए हिकविजन का जो डीवीआर है उसके अंदर नो डाउट 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर हर डीवीआर के अंदर उसका जो सीमो सेंसर होता है जिसको लोग बैटरी भी बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं, तो वो चला जाता है और उसको आपको चेंज करने से डेट एंड टाइम ओके हो जाती है। अगर वो आप चेंज नहीं करोगे तो जब भी आपका डीवीआर ऑफ करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट डेट के अंदर चला जाएगा और जैसे ही आप उसको ऑन करोगे तो पुरानी डेट ही रहेगी, वापस से आपको अपडेट करना पड़ेगा तो वो चेंज करना पड़ता है। कई बार हमने भी देखा है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि हम जब सीमो सेंसर को चेंज करते इसके बाद भी ओके नहीं होता है तो हम सर्विस सेंटर में भिजवा देते हैं। अब वो उसके साथ में क्या करते हैं, उनका कौन सा हार्डवेयर चेंज कर दे, मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, नहीं मैंने उनसे पूछा है, सो वो ओके करके दे देते हैं, उससे भी हो जाता है। फर्मवेयर से आई थिंक डेट एंड टाइम का इशू मेरा कभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है और कोई पर्टिकुलर डीवीआर के अंदर है तो आप एक बार हिकविजन के सर्विस सेंटर पे बात कर लीजिए, वहां पर आप डीवीआर जो है वो उनको दे दीजिए, वो आपको करके दे देंगे। अगला जो सवाल है वो बहुत ही रोमांचक है और उसमें कहते हैं अल उमर ट्रेडर्स, और उनका कहना है कि भाई फर्स्ट कमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, सर आप जस्ट अपनी इंडियन के सवाल का जवाब देते हैं, क्या यार आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ मतलब इंडियंस के सवाल का जवाब देता हूं? चलिए टेक्निकली एक चीज निकाल देते हैं यहां पर,
कभी भी YouTube पे कोई भी कमेंट आता है, चाहे वो YouTube से आ रहा है, चाहे मेरे पास में अदर इंस्टा से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, कहीं से भी कोई भी कमेंट आता है, तो मुझे सबसे पहले तो यही नहीं पता होता कि वो कमेंट किया किसने है, कहां से किया है, उसकी डिटेल हमारे पास में नहीं होती। सिर्फ आपका ये जो यूजर है ना अल उमर ट्रेडर्स, यही है मेरे पास में। अब मुझे नहीं पता आप कहां से बात कर रहे हैं, कहां से मुझे सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं ये सेलेक्ट यहां पर कर ही नहीं सकता कि मुझे इंडियंस के सवाल के जवाब देने हैं या फिर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके सवाल के जवाब देने हैं। दूसरी चीज, अगर आपने कभी मेरा लाइव अटेंड किया हो, जो मैं हर संडे को रात को 9 बजे करता हूं, वहां पर अक्सर आप देखेंगे कि मेरे साथ में पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो सबसे ज्यादा कनेक्ट होती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडियन है या फिर पाकिस्तान है, मेरे लिए इतना बहुत है कि आप मुझे प्यार देते हैं, चाहे पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, कहीं से भी हो, आप मुझे प्यार देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, मेरे लिए इतना सफिशियंट है। बाकी आप ऐसा कुछ भी दिमाग में मत लाइए कि मैं सिर्फ इंडियंस के सवाल का जवाब देता हूं और पाकिस्तानियों के सवाल का जवाब नहीं देता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आप सब लोग मेरे दोस्त हो, मेरे यार हो, सो यहां पर मुझे नेशनलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला जो सवाल है वो है अमन गुप्ता का, और अमन गुप्ता कहते हैं कि DVR को 24 आवर ऑनलाइन करने के लिए पर डे कितने डेटा की जरूरत पड़ेगी इस राउटर में। जो मैंने राउटर के ऊपर वीडियो बनाया था उसके ऊपर उन्होंने सवाल पूछा है। तो अमन गुप्ता, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक एक्सेस लोगे। कभी भी जब आप कैमरे को ऑनलाइन करते हैं ना, तो आपने DVR लगाया है और उसके साथ में एक राउटर लगा दिया और उसमें एक इंटरनेट दे दिया, चाहे वो ब्रॉडबैंड हो या फिर GSM का सिम हो, तो सिर्फ कनेक्ट करने से इंटरनेट की खपत नहीं होती, मतलब इंटरनेट यूज नहीं होता, बहुत ही कम डेटा यूज होते हैं सिर्फ सर्वर को कनेक्ट करने के लिए, जो कि ना के बराबर होते हैं, उसमें कोई आपका GB में डेटा नहीं जाता। जब आप कैमरा आपके मोबाइल पर देखना शुरू करते हैं, चाहे वो आप 5 मिनट के लिए कर रहे हैं, 10 मिनट के लिए कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए कर रहे हैं, तब डेटा का यूज होता है, मतलब जो आपका राउटर है वो डेटा को अपलोड करता है सर्वर पर और आप मोबाइल के थ्रू उसको डाउनलोड करते हैं, वही डेटा यूज होता है। अब ये डेटा कितनी मात्रा में यूज होता है ये कहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके राउटर के अंदर बैंडविड्थ कितनी है, आपको कितनी मिल रही है, और वो जो डेटा अपलोड हो रहे हैं वो कितने KBPS पे हो रहे हैं। सो ये काउंटेबल नहीं होता कभी भी कि इतने टाइम के अंदर इतनी GB हो जाएगी। आप एक दो बार ट्राई करके देखिए, एक एवरेज आपको मिल जाएगा, तो आपको आइडिया लग सकता है कि हाँ, आपने अगर 1 GB डेटा रिचार्ज करवाया है तो वो कंटिन्यू एक बार चला के देखिए। फॉर एग्जांपल, आपने 1 GB आपका आज का जो था पैकेज था, ठीक है, आपने उसको ऑनलाइन कर दिया और आप यहाँ पर मोबाइल में या फिर आपके लैपटॉप में चालू करके रख लीजिए, चेकआउट करिए कि कितनी देर तक आपका चलता है। शायद मेरे हिसाब से ये जो डेटा है, अगर आपके 4 कैमराज हैं, अगर आप देख रहे हो, तो 1 घंटे के आसपास आपको मिलेगा। और मोबाइल पे जब भी आप देखते हैं तो आपको भी पता है कि 1 घंटे से ज्यादा तो हम मोबाइल पे कैसे देखेंगे, हम लोग 2-3 मिनट के लिए देखते हैं, सो ये चलता है नॉर्मली। अगला जो सवाल पूछा है वो है कंचन एजेंसी प्रदीप गुप्ता ने, और उनका कहना है कि भरत जी, मैं 15 साल से CCTV का वर्क कर रहा हूं, टीम सीखने के बाद हमारे यहां पर वर्क करना छोड़ देती है, क्या करें परमानेंट काम कर सकें। तो देखिए प्रदीप गुप्ता, आप किसी को भी बांध के नहीं रख सकते, वो आपके लिए भी लागू होता है और एज वेल एज अगर आपके यहां पर एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए भी लागू होता है, वो स्वतंत्र हैं, हम इस भारत के स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, सो हमें जहां दिल करेगी हम वहां पर काम करेंगे, जो आपके भी दिल में है और आपके एम्प्लॉय के भी दिल में आएगा, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन है, ह्यूमन बींग है, और ये हमारा नेचर होता है, जहां पर आपका दिल मिल जाता है, आपकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो वहां पर हर इंसान काम करना चाहता है। तो आप आपका जो बिहेवियर है आपके एम्प्लॉय के साथ में कितना अच्छा रखते हैं, कितनी अच्छी बॉन्डिंग आपके और आपकी टीम के बीच में है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि टीम आपके साथ में काम करना चाहती है या नहीं चाहती है। एक टीम की रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक नॉर्मल आदमी की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि भाई जब वो किसी के यहाँ पर काम करे तो वो जितना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिल जाए, मतलब उसको पैसा मिल जाए, टाइम पर मिल जाए। दूसरा होता है कि वो अगर काम कर रहा है तो उसको रेस्पेक्ट मिले। अगर ये दो चीजें आप देते हो तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई एम्प्लॉय आपको छोड़कर जाना चाहेगा। आप रेस्पेक्ट दीजिए, आप समय के अनुसार उनको सैलरी दीजिए, जितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनको दीजिए। अगर वो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो आप भी उसको रिमूव कर सकते हैं, यहां पर कोई बाउंडिंग तो है नहीं। बस मैं इतना ही कहता हूं कि अगर आपके पास में एक अच्छा आदमी है
तो आप उसके साथ में जितनी अच्छी बॉन्डिंग रखेंगे वो टीम आपके लिए उतना अच्छे से दिल लगाकर काम करेगी। तो ये जो रिलेशन होता है एम्प्लॉय और बॉस के बीच में वो वन वे नहीं होता, वो टू वे होना चाहिए। आप भी उतना ही करेंगे तो आपका एम्प्लॉय भी आपके लिए उतना करेगा, और अगर आपका एम्प्लॉय उतना आपके लिए कर रहा है तो आपको भी आपके एम्प्लॉय के लिए उतना करना पड़ेगा। सो आपका यहां पर जो पर्पस है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। सो यही था आज के इस Q&A वीडियो के अंदर जो आपके कमेंट्स है उसके मैंने यहां पर जितने भी आंसर दिए हैं, मुझे लगता है कि आप लोग शायद वो आंसर के साथ में सेटिस्फाइड हुए होंगे। तो अगर ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आया हो तो जैसा कि एज ऑलवेज मैं आपको बोलता हूं कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके दिमाग में कुछ अगर चल रहा है जो मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं, अगला वीडियो किस पर देखना चाहते हैं, कुछ सजेशन है तो आप मेरे साथ में कमेंट बॉक्स के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नई टाइप की टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद। Yeah.